आज विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जांजगीर के जिला अस्पताल में शिविर लगाया गया। शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका जोशी और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र पटेल ने कैंसर के विभिन्न कारणों और इससे बचने के उपायों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कई बार अनुवांशिक कारण से भी कैंसर की बीमारी किसी को भी हो जाती है, भले ही उसकी जीवन शैली में कोई गड़बड़ी ना हो। ऐसे मरीजों को यदि समय रहते सही इलाज मिल जाए तो इन्हें नया जीवन दिया जा सकता है। आज भी काफ़ी ग्रामीण महिलाओं को कैंसर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो जान ही नहीं पाती हैं कि बहुत सारा जो औरतों में होने वाला कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, बच्चादानी के मुंह का कैंसर, वो प्रिवेंटेबल है, मतलब रोकथाम हो सकता है। और उसके लिए प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन्स भी अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर कैंसर हो भी गया तो काफ़ी स्टेज तक उसके लिए इलाज के द्वारा पूरा ठीक होने की भी सुविधा उपलब्ध है। बस 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस अभियान के रूप में कैंसर के प्रति लोगों के बीच जागरूकता पैदा की जाती है। इस वर्ष भी हम उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर कैंसर जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पर रैली का आयोजन किया गया था, और उसके बाद जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं और जो मेडिकल स्टाफ है उनके बीच कैंसर के बारे में चर्चाएं की गई ताकि उनके कैंसर के प्रति जागरूकता को और बढ़ाया जा सके। इस अवसर पर कैंसर की बीमारी से स्वस्थ होने वाली एक मरीज ने बताया कि सही इलाज और मजबूत संकल्प से आज वे इस बीमारी से मुक्त हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कैंसर मरीज को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कैंसर की मरीज रही हूं और आज पूरी तरह से ठीक होकर के समाज के लिए, अपने परिवार के लिए काम कर रही हूँ। हमारे जिले में पहले कैंसर के इलाज का कोई प्रावधान नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, परंतु आज हमारे ज़िले में सभी कैंसर से लड़ने के लिए थेरेपीज और ऑपरेशन वगैरह की व्यवस्था हो गई है, इसलिए सभी लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं और अपने आसपास एक स्वस्थ और अच्छा समाज निर्मित करने में अपना योगदान दें। शिविर में डॉक्टरों ने अन्य कैंसर मरीजों से भी उनके अनुभव सुने और प्रतिभागियों को बताया कि कैंसर का पूरी तरह से इलाज संभव है।